नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त में आपके साथ रजा सिंह। उपचुनाव का महत्व अलग होता है, लेकिन ये 5 साल में होने वाले आम चुनाव जितना निर्णायक नहीं होता है। मगर हम कहें कि यूपी का उपचुनाव सीएम योगी की किस्मत का फैसला जरूर करेगा, तो आप क्या कहेंगे? आज उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में यूपी में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, और ये समझना मुश्किल नहीं है कि इन उपचुनाव का असर यूपी की राजनीति की दिशा तय करने वाला हो सकता है। समाजवादी पार्टी का पीडीए नुस्खा लोकसभा चुनाव में कामयाब रहा था, लेकिन असल इम्तिहान तो अब यूपी के उपचुनाव के नतीजों से ही होगा। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी गूंज उठा। ये स्लोगन महज यूपी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रचार में भी इसका असर देखा गया। झारखंड में बीजेपी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और इस पर योगी आदित्यनाथ के स्लोगन का कड़ा असर दिखा। इसी तरह महाराष्ट्र में भी इस नारे को लेकर बीजेपी के भीतर मतभेद सामने आए, लेकिन सच ये है कि योगी आदित्यनाथ का ये स्लोगन यूपी में कितना काम आया, ये जानना जरूरी है। यूपी के उपचुनाव में ये नारा अब असली इम्तिहान में है। क्या योगी आदित्यनाथ का ये नारा यूपी के मतदाताओं पर असर डाल पाएगा, या फिर एक महज एक चुनावी जुमला साबित होगा? अब सवाल अभी सबसे अहम है, क्योंकि इन उपचुनाव का नतीजा ही तय करेगा कि योगी का ये नया सियासी तीर कितना असरदार साबित होता है। योगी आदित्यनाथ ने इन उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। 5 दिनों में 15 रैलियां और रोड शो करके उन्होंने इस नारे को हर कोने में फैलाने की कोशिश की। उनके हर भाषण में ये साफ दिखा कि यूपी की राजनीति में उनका दबदबा कायम है। अलीगढ़ की सभा में देश के बंटवारे का जिक्र करते हुए उन्होंने विरोधियों को एक बार फिर से निशाने पर लिया और ये साफ कर दिया कि बटेंगे तो कटेंगे का उनका संदेश सपा के राजनीतिक मंसूबों को लेकर है। लेकिन असली परीक्षा तो इन उपचुनाव के परिणामों में ही है। यूपी के उपचुनाव के नतीजे ना केवल यूपी की सत्ता के भविष्य का निर्णय करेंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के स्लोगन का असर कितना गहरा है। महाराष्ट्र और झारखंड में भले ही इस नारे को लेकर विवाद उठे हों, लेकिन यूपी में इन उपचुनाव का परिणाम योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा। यूपी के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का ये नारा अब केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उनकी सत्ता और पार्टी की ताकत का सबसे बड़ा परीक्षण बन चुका है। चुनावी परिणाम अगर योगी के पक्ष में आते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा ना केवल यूपी बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी असर डालने में सक्षम है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।